This news is brought to you by Hotel CS2, where quality rules. ये सरासर ज्यादती है। अफसोस की बात है कि आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जिस तरह से अमलन एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है, यहाँ के आवाम के सारे हकूक ताकत के बल पर सल्ब कर लिए गए हैं। आज हमने जो प्रोग्राम दिया था कि पुरामन तौर हम शहदाए जम्मू कश्मीर, खासकर 31 के शहदा को खराज अकीदत अदा करने के लिए मजार शहदा जाना चाहते हैं। कर्फ्यू का इतला किया गया है, पूरे शहर को जो है वो नाकाबंदी कर दी गई है, लोगों को घरों में मैसूर कर दिया गया है। और ये सिलसिला आज का नहीं है, आप देखें कि बार बार कर्फ्यू लगाया जाता है। जामा मस्जिद में नमाज पर पाबंदी है, पिछले 3 जुमा से वहाँ नमाज अदा नहीं करने दी गई है, लोगों को मैसूर किया जा रहा है, पूरी हुर्रियत क़यादत को बंद किया गया है। पिछले तकरीबन 28 दिन से मुझे भी घर में नजर बंद कर दिया गया है। गिलानी साहब तो सालों से बंद हैं, यासीन साहब एक दिन बंद होते हैं, दूसरे दिन जेल में होते हैं, तीसरे दिन जो है कहीं और होते हैं, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? हम ये कहना चाहते हैं खासकर हुकूमत की जो ये आप देख रहे हैं कि तानाशाही का जो इस वक्त अमल है, कि आप देखें कि खासकर पिछले 1-1.5 साल से जो यहाँ पे हालात हैं, जो यहाँ पे सिचुएशन है, कि किस तरह से मजहबी हुकूक, सियासी हुकूक, इंसानी हुकूक, तमाम हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि रोज कश्मीरियों की लाशें उनके घरों में भेजी जा रही हैं, जवानों को जो है पूरे वादी को एक कतलगाह में तब्दील कर दिया गया है। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? हम ये वाजे कर देना चाहते हैं कि ये अमल जो इन्होंने शुरू किया है, ये पूरी वादी को मैसूर किया जा रहा है। और आपने देखा कि कल जो खुद इनके बयान आ रहे हैं, बीजेपी की क्यादत जो है, पीडीपी की क्यादत जो है, और जो बाकी हिंदुस्तान की क्यादत, वो तो बरमला इस बात का इजहार कर रही है और बबांगे दोहल ये कह रही है कि भाई हमें कश्मीरियों को, जो भी हुर्रियत पसंद कश्मीरी हैं, जो भी तहरीक नवाज कश्मीरी हैं, उन्हें मारकर ही हमें दम लेना है। तो ये तो पूरा एक, मैं कहूंगा कि आलमी रायामा के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक चश्म कुशा है कि पूरी दुनिया देखे कि किस तरह से कश्मीरियों पे जुल्म किया जा रहा है, किस तरह से कश्मीरियों को मजबूर किया जा रहा है। जैसे कि हमने कल भी कहा कि आज जो जवानों को किया जा रहा है, बार बार पुलिस जवानों को तंग कर रही है, बार बार उनके घरों पे छापे पड़े जाते हैं, पीएसए के तहत, बाकी काले कानून के तहत उनको पुश्त द वॉल किया जा रहा है, और फिर वही जवान मजबूर हो जाता है, पढ़ा लिखा जवान, की वो बंदूक का सहारा ले। इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर है, हुकूमत यहाँ के नौजवानों को पुश्त द वॉल कर रही है। अगर कोई बंदूक उठाता भी है तो वो जुल्म की रिएक्शन में है। और ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया के मीडिया भी कह रहा है। आज भी आप देखिए कि मीडिया में जो खबरें आई हैं कि किस तरह से जवानों के को जो है वो तंग किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें। हम ये कहना चाहते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है या हमारी मुश्तरक क़यादत है, जहां तक 31 के शहदा की बात है, जो मिशन 31 के शहदा का था, वो मिशन अभी भी जारी और सारी है, और तब तक इंशाल्लाह हमारा ये मिशन जारी रहेगा जब तक हम शहदा के उस अजीम नस्बुलैन को हासिल नहीं करते जिसका मकसद और मुद्दा सिर्फ और सिर्फ आजादी है। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। ये मुल्क हमारा है, इसका फैसला। This news is brought to you by Hotel CS2, where quality rules. Contact Hotel CS2, Salwar Bagh, Srinagar, Kashmir, phone number 0194-246-8500-246-8501. Reservation at Hotel CS2. Log on www.hotelcs2.com.